जय हिंद दोस्तों, यूडीसी यारे में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। अब दोस्तों क्या रहेगी इस वाले मैच में, ना प्राइम टीम है ना, हमारी जो प्राइम टीम होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, साथ ही साथ दो रिस्की टीम भी, यानी कि दो ग्रैंड लीग की टीम है ना, जो रिस्की टीम मिलती है ना वो दो ग्रैंड लीग की टीम होती है, और एक प्राइम टीम यानी कि हेड टू हेड की टीम। ठीक है, तो वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्या रहेगी हमारी टीम्स, इसके अलावा पिच रिपोर्ट है ना, ये अहमदाबाद में खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो पे जानेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो पे प्लीज़ एंड तक बने रहना है ना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 12-15 मिनट की वीडियो बनेगी। बाकी अब वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही साथ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इससे होगा क्या, आईपीएल से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट मैचेस की वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे वो आपको मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, तो और इसके साथ दोस्तों टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जुड़ना इसलिए ज़रूरी है ना कि मैच से पहले कोई भी अपडेट आती है, इसके साथ ही हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली प्राइम टीम दो रिस्की और एक दोस्तों स्मॉल लीग की हेड टू हेड वो यहीं पे मिलने वाली है। तो टेलीग्राम से जुड़ना भी मत भूलिएगा है ना। बैट बॉल पे मैं खेलता हूँ, माई मास्टर 11 पे खेलता हूँ, फंटा फीट पे खेलता हूँ मैं, ये तीनों ही ऐप का लिंक ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ओपन करेंगे क्रिकबज, ये देखिए आईपीएल 2023 का 13वां मुकाबला जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है ये भी आप जानना चाहते होंगे है ना। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो गेम होता ना आईपीएल का फर्स्ट मैच यहीं पे खेला गया था, जहाँ पे गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के बॉलिंग चुनी हुई थी। सीएसके की पहले बैटिंग में इन्होंने बनाए थे 178, जबकि जवाबी में ना गुजरात टाइटंस ने यहाँ पे आसानी से चेज कर लिया था। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट जो है ना हमें यहीं से मिलने वाली है, ऐसे फर्स्ट इनिंग्स पे अगर देखें ना तो इनका टॉप ऑर्डर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, इसमें ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ओवरऑल डाउन ऑर्डर पे कुछ खास नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो बैटिंग फ्रेंडली वीकेंड है दोस्तों, और दिन का ये मैच होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 150+ तो यहाँ पे आपको रन बनते नज़र आ जाएंगे है ना। फर्स्ट गेम में भी यहाँ पे अगर फर्स्ट इनिंग्स की बात करो तो विकेट्स वहीं पे गिरे है ना। सेकंड इनिंग्स में दोस्तों जो कि इनका जो होम ग्राउंड है ना गुजरात टाइटंस का, इन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। बाकी विकेट्स किसे मिले, तो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे पेसर, यहाँ भी पेसर राशिद खान, केवल दो विकेट है ना फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। यहीं पे अगर आप देखो सेकंड इनिंग्स में तो तुषार देशपांडे है ना, राजवर्धन ये भी पेसर दोस्तों, इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स यानी कि पेस विकेट है ना, एक आप आइडिया ले सकते हो इससे। बाकी ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली ये विकेट रहने वाली है। ठीक है, अहमदाबाद की इसमें ये कल का मैच खेला जाएगा गुजरात और कोलकाता का। ठीक है, बाकी डिटेल पिच रिपोर्ट दोस्तों, वहाँ पे पिचेस काफ़ी सारे हैं ना, तो डिटेल पिच रिपोर्ट मैं आपको कल सुबह ही बता पाऊँगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आप बैटिंग फ्रेंडली विकेट मान के ही चलना है ना। प्लेइंग 11 क्या रहेगी, ओपन करेंगे अब यहाँ से दोस्तों गुजरात की अगर बात करी जाए तो जिसमें कि गिल, रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, जोशुआ लिटिल, यश दयाल, ये ओवरऑल इनकी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। वहीं पे कोलकाता की बात करी जाए अब जिसमें कि वेंकटेश अय्यर, गुरबाज, मनदीप सिंह एंड जगदीशम, मनदीप या जगदीशम दोनों में से कोई एक खेलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जो कि टीम की कैप्टेंसी करेंगे नीतीश राणा, रिंकू सिंह,
आंत्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, टीम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। तो दोनों ही टीम्स की प्लेइंग इलेवन ये रह सकती है ना। फाइनल प्लेइंग इलेवन टेलीग्राम पे मिलेगी। अब दोस्तों इनका अगर पिछला गेम देखें, सबसे पहले कोलकाता की बात करी जाए, अब इनके साइड से दोस्तों विकेट कीपिंग करेंगे गुरबाज, है ना, वेंकटेश अय्यर, इनको ले सकते हो दोस्तों ग्रैंड लीग्स के अंदर। गुरबाज इनफॉर्म प्लेयर, लास्ट के गेम में भी हाफ सेंचुरी लगा के आ रहे हैं, है ना। सो इनफॉर्म प्लेयर गुरबाज हमें रखने हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। वेंकटेश अय्यर के ऊपर रिस्क ले सकते हो दोस्तों, है ना। अब इनके साइड से जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना वो तो काफ़ी नीचे है, ठीक है। एक नीतीश राणा एक बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है यहाँ से, है ना। बाकी मनदीप थोड़े से डाउटफुल रहेंगे दोस्तों, अच्छी पोजीशन पे बैटिंग करा रहा है जबकि, है ना, वन डाउन के अंदर। अब फिर भी बंदा यहाँ पे कुछ खास तो नहीं करके जा रहा है, जीएल के अंदर ही देखना। गुरबाज स्मॉल लीग्स में रख सकते हो आप, वेंकटेश को आप एज अ रिस्क ले सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। 3-4 मेंबर अगर खेलते हो ना तो वेंकटेश के ऊपर रिस्क ले सकते हो। प्लेयर कैसे हैं ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, चल गए सो वन साइडेड आप क्लीन स्वीप करोगे अल्ट्रा, ठीक है। बाकी नीतीश राणा है जो कि स्मॉल लीग्स के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। रसल है, है ना। रिंकू सिंह चल तो गए थे दोस्तों लास्ट के गेम में, अब इस वाले गेम में दोस्तों क्या चलेंगे? वैसे चलने तो चाहिए दोस्तों, है ना, बट सामने की तगड़ी टीम गुजरात टाइटंस है, इसलिए मैं ना कोलकाता के ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रखूँगा टीम में। बाकी इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करें ना स्मॉल लीग्स के अंदर और ग्रैंड लीग्स के अंदर, तो स्मॉल लीग्स के अंदर दोस्तों गुरबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। वेंकटेश का मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, बट रिस्क ले सकते हो इसके ऊपर। मनदीप को जीएल में ही रखना, नीतीश राणा सेफ ऑप्शन है स्मॉल लीग्स के लिए। रिंकू सिंह को भी दोस्तों आप जीएल वगैरह में ही ट्राई करना, रसल एक बढ़िया ऑप्शन है, है ना। क्या बात है दोस्तों, ठाकुर, शार्दुल ठाकुर क्या कमाल की बैटिंग कराई हुई थी, 29 बॉल पे 68 रन दिखे, ज़रा विकेट भी लेके गए थे क्या, क्या बात है दोस्तों, एक आधा विकेट। पर दोस्तों इनको बैटिंग से नहीं ना, बॉलिंग से लेने हमें, ठीक है। सो गुरबाज को हम रखेंगे, नीतीश राणा रहेंगे, रसल रहेंगे, है ना। अगर तो आ जाता है तो सुनील नारायण, ठीक है। बॉलिंग अगर इनकी देखी जाए तो इनकी बॉलिंग के अंदर नारायण यहाँ पे 4 ओवर करेंगे, वरुण चक्रवर्ती, अरे क्या बात है दोस्तों, इकोनॉमी इतनी बढ़िया, 4 विकेट निकाल के जा रहे बंदा दोस्तों, इनफॉर्म प्लेयर, है ना। सो नारायण, वरुण चक्रवर्ती, शार्दुल को हम छोड़ नहीं सकते, तो यश शर्मा, अब इनका देखना पड़ेगा दोस्तों बॉलिंग कहाँ पे करा रहे हैं। सो एक बार देखें ना तो डेथ के अंदर तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती नज़र आ जा रहे हैं, इसके अलावा तो यश शर्मा, ये एक बढ़िया नाम निकल के आ रहा है। इसके अलावा शार्दुल हमें रखने हैं, बाकी इनका पावर प्ले देखें, अपना टीम साउदी, उमेश यादव, इसके अलावा दोस्तों सुनील नारायण, 4 ऑप्शन तो निकल के आ रहे हैं दोस्तों इनके साइड से। अब जिसमें कि नारायण, चक्रवर्ती, तो यश शर्मा, शार्दुल ठाकुर, क्या देखे ज़रा। फिल्टर लगाएंगे दोस्तों कोलकाता के साइड की, तो जिसमें कि गुरबाज, नीतीश राणा और किसी दोस्तों रसल और नारायण, बाकी अपना शार्दुल ठाकुर और वरुण और तो यश शर्मा दोस्तों, नहीं 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 सब्स्टिट्यूट में है ना, बाकी फिर ना यहाँ पे अपना ठाकुर, चक्रवर्ती और नारायण, तीन बॉलर ही सही है दोस्तों। कितने प्लेयर हो गए, 7 प्लेयर। ये कोलकाता के साइड से ना
सात इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपकी टीम में होने चाहिए। एक चेंज यहाँ पे कर सकते हो, नारायण की जगह चाहो ना तो यहाँ आप ले सकते हो रिंकू सिंह को, या फिर वेंकटेश अय्यर, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा था, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है वेंकटेश अय्यर चल सकते हैं। तो बाकी आप देख सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों जीटी की अगर बात करी जाए ना, तो जीटी का भी मैच देखें जो कि दिल्ली कैपिटल्स है ना, जीत के आ रही है, यानी कि अपना पिछला दो गेम गुजरात टाइटन्स जीत के आ रही है। अब इनके साइड से रिद्धिमान साहा, देखे ज़रा जनता ने कितना लिया हुआ है इनको, नहीं दोस्तों जनता उतना ट्रस्ट नहीं कर रही है, हालांकि ले सकते हो, बट दोस्तों जीएल वगैरह में ही ट्राई करना। शुभमन गिल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, साई सुदर्शन को ले सकते हो, इनफॉर्म प्लेयर है बंदा, टीम की कैप्टन जो कि हार्दिक पांड्या, स्मॉलिक्स के लिए बढ़िया ऑप्शन। सो दो नाम, तीन दोस्तों, गिल, सुदर्शन और हार्दिक, तीन नाम सही है। बाकी विजय शंकर के ऊपर मुझे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहता, मिलर को ट्राई कर सकते हो इनकी जगह, है ना, भले ही डाउन ऑर्डर पे बैटिंग कराएंगे पर दोस्तों अच्छे फिनिशर भी हैं, ठीक है। राहुल तेवतिया जीएल में ही देखना दोस्तों, स्मॉल लीग्स में मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए, तो मैं स्टडी कर रहा था जिसमें कि शमी, जोसेफ और कौन था राशिद, ठीक है, इनका मुझे अच्छे से याद था। हार्दिक भी करा रहा है, विकेटलेस भले रह गए थे लास्ट के गेम में, खैर इनको तो बैटिंग से लेना है ना। तो ओवरऑल शमी, इसके अलावा अलजारी और राशिद, इनके मेन इंपॉर्टेंट बॉलर। थोड़ा सा अगर डिटेल्स में देखें तो डेथ के ओवर्स में यहाँ पे आपको नज़र आएंगे मोहम्मद शमी, राशिद, इसके अलावा लेटी लाएंगे दोस्तों, हालांकि पूरा स्पेल तो नहीं करेंगे। अलजारी कहाँ पे कर रहे हैं 14वें ओवर में, इसके अलावा 9वें ओवर में। पावर प्ले के अंदर अगर देखें तो शमी, लिटिल दोनों नहीं किया हुआ था। चलो बाकी ओवरऑल मैं जाना चाहूँगा ना शमी के साथ, जोसेफ और रशीद, ठीक है, इनके मेन इंपॉर्टेंट बॉलर। बाकी हार्दिक पांड्या भी अगर दो तीन ओवर कर जाए तो सोने पे सुहागा दोस्तों, है ना, बैटिंग से भी अगर अच्छा कर जाए तो। ओवरऑल साहा को मैं अभी यहाँ पे ना अवॉइड करूँगा, गिल, मिलर और सुदर्शन काफ़ी है। बाकी हार्दिक पांड्या, अब दोस्तों सारे प्लेयर्स तो हमने ले लिए, अब इनके साइड से हमें तीन बॉलर भी तो लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एक सेकेंड दोस्तों, टीम्स मेरे पास ना बनी पड़ी थी, अब इस टीम में देखें ज़रा, तो गुरबाज हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, नीतीश राणा आ चुके हैं, डेविड मिलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन नहीं आ पाए, बाकी रसल, हार्दिक और यहाँ से ना शार्दुल ठाकुर, वरुण, बाकी तीनों से यहाँ से आप एक रिस्क ले सकते हो, है ना, अपना कुछ इस तरीके से, है ना, सुदर्शन या फिर दोस्तों डेविड मिलर, ये रिस्क आप ले लो, है ना, एक आधा रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं मिलर को रखूँगा, आप चेंज कर सकते हो दोस्तों, सीवीसी में लगभग सेम ही रखूँगा, है ना, जिनको थोड़ा सा अलग जाना है ना उनके लिए अलग चॉइस अगर मैं बताऊँ, सो नीतीश राणा है यहाँ पे, ठीक है, डेविड मिलर, इसके अलावा अब बॉलिंग पे अगर जाओ तो राशिद है, शमी है, ठीक है, ये चार ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ना स्मॉल लीग्स के अंदर, जो कि सेफ ऑप्शन है आपके लिए, जीएल के भी मैंने बताए। अगर आपको जीएल की टीम चाहिए तो मैं अभी बना देता हूँ, है ना, मुझे पता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया, अगर आप लाइक कर दोगे ना तो जीएल की भी टीम मैं तुरंत बना रहा हूँ, ठीक है, दो मिनट के अंदर दोस्तों लाइक कर दो, मैं आपको शो करता हूँ। सो दोस्तों दो ग्रैंडली की टीम, जैसा कि मैं बोला, ठीक है,
लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अदरवाइज मैं नहीं दिखाऊंगा। कर दिया लाइक। अब दोस्तों जीएल की टीम नंबर पहली, अब जिसमें कि आपको गुरबाज, नीतीश राणा, डेविड मिलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, नारायण, हार्दिक ठाकुर, शमी, राशिद और जोसेफ। राशिद को मैंने कैप्टन किया है, अलजारी जोसेफ को वीसी किया हुआ है। अब चाहो तो वीसी शमी को भी कर सकते हो, ठीक है। अब जीएल की टीम नंबर टू की बात करी जाए, जिसके अंदर रिद्धिमान साहा, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, इसके अलावा शुभमन गिल, रसल, हार्दिक पांड्या, सऊदी, उमेश यादव, इसके अलावा दोस्तों शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और राशिद। यहाँ पे आप चाहो ना तो उमेश यादव को ड्रॉप करके ना आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन यहाँ पे ले सकते हो अपना गुजरात के साइड से, ठीक है। अब वो कौन हो सकता है, डेविड मिलर को ले सकते हो, है ना, साई सुदर्शन को ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे सुनील नारायण को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जल्दी जुड़ जाना, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों माई मास्टर 11 पे ना 1,00,000 रुपये का फ्री गिव अवे, कल डबल एडर है, सो 50,000 पहले में, ठीक है, पहले गेम के अंदर, और 50,000 सेकेंड गेम के अंदर। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो यार, अगर वॉलेट में पैसे नहीं है तो, है ना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हाँ UDCRA नेक्स्ट वीडियो से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।